अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज हम बना रहे थे आलू के पराठे, तो हमने कहा कि साथ ही शेयर कर लें। मैं चाय बना रही हूँ, तो सुबह मेरे बच्चों ने स्कूल जाना था, आलू के पराठे बना रहे थे सुबह सुबह। मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, और हम ना बाजार से नहीं लेते ना, ना घर में बनाते हैं। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ घर में बनाती हूँ, बच्चों को देनी होती है। तो मैं सुबह सुबह आलू का पराठा बनाती हूँ, जो भी चीज़ होती है ना हम बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं लेते, बच्चों के ना पेट ख़राब हो जाते हैं बाज़ार से लेने, अगर बाज़ार की चीज़ हो तो। जिस चीज़ को आलू के पराठे पसंद है ना, वो मुझे कमेंट से ज़रूर बताना कि किसको पसंद है आलू के पराठे। हमें तो बहुत पसंद है आलू के पराठे, मेरे बच्चे आलू के पराठे। माशाल्लाह सही बनते हैं आलू के पराठे। बच्चों को छोड़ना ही मुश्किल हो गया है आजकल, जो हवा फैली हुई है वो बच्चों को उठाने वाले आए हुए हैं इस वजह से। और बच्चे सुबह सुबह ऐसे डर के मारे डरना रात को सोते हैं, सुबह सुबह इतना ही लेट करके स्कूल जाते हैं स्कूल की वजह से, और फिर उधर से भी डांट पड़ती है बच्चों को। अस्सलाम मियां को हिदायत दे। ये मैं हाथ से बना रही हूँ, तो चकला बेली भी थी और मैंने कहा हाथ से बना लेती हूँ, हाथ से ज्यादा अच्छे बनते हैं। नीचे मैंने काम डाली हुई है, ज्यादा नहीं डाली हुई। इधर दो
मैं आपको खोल के देती हूँ। ये आपने गुड़ खाना है ना? ओ, मेरा बेबी गुड़ खाता है। ये लो, आप भी खाते हो ना? शाबाश, ये लो, बड़ा लेना है? मुझे तो ये भी नहीं पता। ये लो खाओ, आपने भी बोले नहीं दूसरे। ये लो, क्या याद करोगे। चलो अब डब्बा खाली हो गया, अब पैसे आएंगे ना फिर गुड़ लेके ना डब्बा फुल करके रखेंगे। अब डब्बा खाली हो गया गुड़ का। ये पराठा बन गया। चलो मैंने कहा पराठे बना लेती हूँ, साथ वालों को भी देके आ जाती हूँ। और कम से कम का भी ख्याल रखना पड़ता है ना।